गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हम लोग ये चित्र देख रहे हैं बोर्ड पर बना हुआ। ये और ये दोनों चित्र ये हैं मकान के चित्र। ये मकान हम क्यों कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें कोई सदस्य दिखाई नहीं दे रहा। अभी ये मकान है, अभी घर कब बनेगा? जब इसमें लोग रहेंगे तब ये क्या कहलाएगा? घर। जब तक किसी मकान में कोई रहता नहीं है तब तक उसे मकान कहते हैं, लेकिन जब उसमें कोई परिवार रहने लगता है तब वो घर कहलाता है। परिवार से घर बनता है। खाली अगर कोई मकान बना हुआ है तो तब तक वो मकान ही कहलाया जाएगा, घर नहीं कहेंगे। घर कब कहेंगे? जब उसमें परिवार रहने लगेगा। जब तक कोई परिवार नहीं रहेगा तब तक उसे घर कहेंगे, मकान कहेंगे। ये भी देखो एक मकान का चित्र है, ये भी एक मकान का चित्र है। जब इसमें लोग रहने लगेंगे तब उसको हम परिवार कहेंगे, परिवार। अब बात आती है परिवार, परिवार। और अंग्रेजी में हम परिवार को क्या बोलते हैं? फैमिली। क्या बोलते हैं? फैमिली। फैमिली माने परिवार। सभी के परिवारों में सदस्यों की संख्या अलग अलग होती है। किसी के परिवार में ज्यादा सदस्य होते हैं, किसी के परिवार में कम सदस्य होते हैं, ठीक। अच्छा चलो हम यहां पर देखते हैं। माना ये परिवार मधु का परिवार है। ये घर किसका है? मधु का। और मधु के परिवार में उसके दादा दादी हैं, उसके दादा दादी हैं, उसके माता पिता हैं, माता पिता, और उसका छोटा भाई मोनू। ये मधु के परिवार के सदस्य हैं। मधु के दादा दादी, मधु के माता पिता, मधु के भाई मोनू और उसके चाचा चाची, उसके चाचा चाची और उनके बच्चे रहते हैं। एक परिवार तो मधु का है और दूसरा परिवार राहुल का है। ये मधु का घर है, ये राहुल का घर है। अब राहुल के घर में कौन कौन रहता है? उसके माता पिता और उसकी बहन रहती है, और उसकी बहन का नाम रीता। छोटी बहन रहती है उसकी, उसका नाम है रीता। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें माता पिता और उसकी छोटी बहन रीता, राहुल, राहुल का घर है, ये मधु का घर है। मधु के घर में उसके दादा दादी, माता पिता, भाई उसका छोटा भाई मोनू, उसके चाचा चाची और उनके बच्चे रहते हैं। तो कौन सा बड़ा परिवार है? मधु का बड़ा परिवार है, ये छोटा परिवार है। जिस परिवार में माता पिता और उनके बच्चों के अलावा और भी सदस्य रहते हैं उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं, उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। और जिस परिवार में माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं उसे हम एकल परिवार कहते हैं, एकल परिवार। अब प्रश्न ये बनता है कि परिवार किसे कहते हैं, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा प्रश्न ये बनता है कि एकल परिवार किसे कहते हैं। और चौथा प्रश्न ये बनता है संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। इस तरीके से हमारे चार प्रश्न बन जाते हैं, और इन पर अगर हम गौर करेंगे तो हमें उनका उत्तर मालूम है। बस हमें उनको समझना है। क्या समझना है? परिवार, परिवार आप लोगों ने देख लिया,
जब माता पिता, उनके बच्चे, ताऊ ताई, दादा दादी रहते हैं उसे परिवार कहते हैं। हम लोगों के परिवार में अलग अलग सदस्य हैं, किसी के परिवार में ज्यादा सदस्य हैं, किसी के परिवार में कम सदस्य हैं। परिवार, ये तो हो गया परिवार। परिवार और दूसरी चीज है कि परिवार कितने प्रकार का होता है। तो परिवार कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के परिवार होते हैं। एक होते हैं एकल परिवार, दूसरे होते हैं संयुक्त परिवार। एकल परिवार किसे कहेंगे? जिस परिवार में माता पिता और उनके बच्चे, माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, उसे हम एकल परिवार कहते हैं। लेकिन जब माता पिता और उनके बच्चों के अलावा दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे रहते हैं, तब उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। एकल परिवार छोटा परिवार होता है, संयुक्त परिवार एकल परिवार से बड़ा परिवार होता है। यही एकल परिवार और संयुक्त परिवार में अंतर होता है। परिवार की हमें जरूरत क्यों होती है? परिवार में हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हम एक दूसरे को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो परिवार क्यों जरूरी है? परिवार से हमें सुरक्षा मिलती है, परिवार से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और सुख दुख में हम एक दूसरे का साथ देते हैं, इसीलिए परिवार की आवश्यकता होती है।